नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास यहाँ पे तीन पार्ट है, तो तीनों पार्टों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वन अपॉन में ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू वन अपॉन में ए प्लस में वन अपॉन में बी प्लस में वन अपॉन में एक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका एक अप्रोच ये रहेगा कि आप राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे, दैट की ए बी एक्स और फिर ऊपर एलसीएम लोगे, यहाँ पर आएगा बी एक्स, यहाँ आएगा ए एक्स, यहाँ आएगा आपका ए बी। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई थोड़ी सी अप्रोच होगी वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब कि ट्रिक क्या कह रहे हो कि वही इसका मतलब मेन पॉइंट है, अगर हम उसको ही ले लें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। सो जहाँ पे मेन चीज है वो ध्यान रखने वाले वो क्या है कि जब ऐसा आपके पास हो तो आप इस 1 अपॉन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन में ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में ए और प्लस में 1 अपॉन में बी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ मिलेगा बी प्लस ए अपॉन में ए बी। नाउ जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन वही सेम इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। सो अब यहाँ पर ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे। नाउ और में क्या मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं हम माइनस ए माइनस बी है, राइट साइड में बी प्लस ए है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ये ए प्लस बी बन जाएगा और अपॉन में वही सेम ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू से ए प्लस बी लिख देते हैं और अपॉन में ए बी। अब यहाँ पर ये ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। सो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस ए बी इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और ये माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा आपका, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, ये दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देख लो और यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से मिल जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी। तो जो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ए और माइनस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सो दिस इज सेकेंड पार्ट, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए रेज टू द पावर फोर माइनस बी रेज टू द पावर फोर इक्वल टू जीरो। अब इसे कैसे करेंगे, सो यहाँ हमें ये देखना है कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है ए रेज टू पावर फोर माइनस बी रेज टू पावर फोर का, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से ही करेंगे जिससे एक कम स्टेप में हो जाएगा। सो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स और प्लस ये। नाउ अब हमें यहाँ पर इस फोर ए स्क्वायर को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखना है, तो कैसे करेंगे, देखिए इस फोर की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके हमें दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको ऐड करने पर हमें फोर ए स्क्वायर मिल जाए, तो एक तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उसको यहाँ लिख लो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको यहाँ लिख लो। देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा टू ए स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए फोर ए स्क्वायर, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे फोर भी रह रहा है, तो अब हम इस फोर को क्या करेंगे, इसको टू को यहाँ लिख देंगे और टू को यहाँ लिख देंगे। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस ये मिल जाएगा और अगर इसे ऐड करेंगे तो हमें फोर ए स्क्वायर मिल जाएगा, इसी को यहाँ यूज करते हैं।
फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो हमें मिलेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ अब हम इसमें पहली दो टर्म में हम यहाँ पे टू एक्स कॉमन ले लेंगे, तो टू एक्स क्या बचेगा यहाँ पे, टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम नेक्स्ट टर्म में क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमें एक तो टू कॉमन तो नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टू एक्स और ये माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ इस पूरे में हमें ये कॉमन मिल रहा है ये और ये, यहाँ लिख देंगे हम टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या बच गया यहाँ पर, टू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल टू जीरो। सो इससे हमारे पास या तो ये इक्वल टू जीरो होगा या फिर ये इक्वल टू जीरो होगा, तो टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो या फिर टू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा अपॉन में टू, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में टू ये है, और या तो ये सॉल्यूशन होगा इसके या फिर ये होगा। तो एक्स की हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, सो यहाँ पर हमारे पास एक्स के दो वैल्यू है, एक तो ये है और एक ये है, यही तो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके और ये इसका आंसर है। ओके नाउ मूव टू थर्ड पार्ट, नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन में ए इंटू में एक्स प्लस वन। अब यहां पर हमें वन के कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे वन आए और ऐड करने पे हमें ये मिल जाए। अब ऐसे तो हमें फैक्टर वैसे तो बना नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो ये टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं ये एज ए फैक्टर ही है हमारे पास, अगर हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें वन मिल जाएगा। तो हम इन्हीं को यहाँ लिख देंगे कुछ इस तरीके से कि ए अपॉन में ए प्लस बी, एक फैक्टर ये होगा और ए प्लस बी अपॉन में ए दूसरा फैक्टर ये होगा इक्वल टू जीरो, और इसको एज इट इज लिख देंगे ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन में ए इंटू में एक्स और यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन में ए इंटू एक्स और प्लस इसको एड लिख देंगे नाउ। अब इसमें कॉमन लेंगे तो यहां हमें एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस और इस वाले टर्म्स में हमें ए प्लस बी अपॉन में ए कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। नाउ ये पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें ये और ये, एक्स प्लस में ए अपॉन में ए प्लस बी
क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स प्लस में ए प्लस बी अपॉन में ए, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, इक्वल टू 0 हो गया। सो यहां से हमारे पास या तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर ये वाला टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन में ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन में ए प्लस बी, एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा। और यहां से हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन में ए, दूसरा सॉल्यूशन ये हो जाएगा। और यही एक्स की वैल्यू हो गई, यही सॉल्यूशन हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।